सीएम साहब के पिताजी को मिल गई है जमानत और जेल से आ गए हैं बाहर। जी हाँ, जेल से रिहा हो गए हैं सीएम भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल। आपको याद ही होगा कि सीएम के पिता को जेल भेजा गया था और जेल भेजा गया था 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उससे पहले तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी जिसमें उनके लेकर वीआईपी ट्रीटमेंट को सवाल भी उठ रहे थे जब थाने में थाली परोसकर उनको टेबल पर बिठाया गया था इंस्पेक्टर की। तो मामला ये था, लेकिन फिलहाल जमानत मिल चुकी है नंदकुमार बघेल जो सीएम भूपेश बघेल के पिता है। मामला एक बार फिर से आपको बता दूं किस मामले में जमानत मिली है। लखनऊ में दरअसल ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की थी नंदकुमार बघेल ने और उसी मामले में सामाजिक विद्वेष फैलाने की जो धारा होती है उसके तहत FIR दर्ज हुई थी जीटी नगर थाना रायपुर में। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि पिता अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सभी धर्म जाति का सम्मान है, यहां पर कोई भी सामाजिक विद्वेष फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार किया था सीएम के पिता नंदकुमार बघेल को, उसके बाद उन्हें यहां लाया गया था रायपुर में। रायपुर में पहले तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जमानत लेने से मना कर दिया था, लेकिन 72 घंटे जेल में बिताने के बाद उनके वकील की तरफ से जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की गई जिसे कोर्ट ने मंजूर किया गया। 10,000 के बॉन्ड पर जमानत मिली है और जेल से रिहा हो गए नंदकुमार बघेल। विवादों में पहले भी रहे नंदकुमार बघेल, लेकिन इस मामले की चर्चा बहुत तेजी से हुई क्योंकि विरोध जो है, विरोध के स्वर बहुत तेजी से उठने लगे थे। वहां रायपुर में सर ब्राह्मण समाज ने विरोध दर्ज कराया था, कई अन्य लोगों ने भी शिकायतें की थी जिसके चलते FIR दर्ज की गई थी नंदकुमार बघेल के खिलाफ रायपुर के टीजी नगर थाने में। जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ा था और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि कोई भी हो, चाहे वो उनके पिता भी हो, अगर सामाजिक विद्वेष की बात आती है और अगर विवादित टिप्पणी की बात आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। यही वजह है कि नंदकुमार बघेल जब गिरफ्तार हुए थे सीएम के पिता, तब सुर्खियों में बात आई थी कि सीएम के पिता को ऊपर भी सख्त एक्शन लिया गया है। लेकिन शुरुआत में जैसा मैंने आपको बताया कि जमानत लेने से पहले मना कर दिया था नंदकुमार बघेल ने, लेकिन 3 दिन जेल में बिताने के बाद यानी 72 घंटे जेल में बिताने के बाद उनके वकील की तरफ से जमानत याचिका डाली गई, जमानत अर्जी दी गई और उसके बाद उनको जमानत मिल गई। रायपुर से अब तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता महेंद्र नामदेव, आप देखते रहिए MP तक।